चली आई। दोस्तों यह गाना गुनगुनाते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा, तो दोस्तों जान गए कि यह अभिनेत्री कौन है। अभिनेत्री हैं वैजयंती माला, जिनकी एक पिक्चर आई थी संगम, जिसमें यह गाना गाते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इन्हीं के नाम। दोस्तों वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें। अगर पुराने हैं तो शेयर और लाइक जरूर करें। वैजयंती माला एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तक, एक कर्नाटक गायिका और एक नृत्य कोरियोग्राफर थी। संगम और कई अन्य फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए जाने जाने वाली वैजयंती माला दक्षिण भारत की पहली राष्ट्रीय स्टार बनने वाली अभिनेत्री थी। हिंदी फिल्मों में इनकी जोड़ी राज कपूर, देवानंद और अभिनेता दिलीप कुमार के साथ काफ़ी अच्छी थी। इस मशहूर अभिनेत्री का जन्म 13 अगस्त 1936 को चेन्नई के त्रिपली केन में हुआ था। इनके पिता एमडी रमन और वसुंधरा देवी जो ब्राह्मण थे, माँ भी अभिनेत्री थी, जिसके कारण इनका लालन पालन इनकी नानी यादवगिरी देवी ने किया था और नानी ने ही सभी डिसिप्लिन उन्हें सिखाया था। उन्हें चटाई पर सुलाती थी ताकि इनकी पीठ टेढ़ी न हो जाए। इन्हें तरह तरह के डांस कला उनकी नानी ने ही शिक्षित किया था। साथ में उन्हें पढ़ने लिखने की कला, सारी बोलने की कला उनकी नानी के द्वारा हुआ था। वैजयंती माला 4 साल की थी तब वे 1940 में इटली की राजधानी रोम चली गई थी, जहां इन्हें ईसाई धर्म गुरु पोप के सामने भरतनाट्यम करने का मौका मिला था। और ये जब 15 साल की हुई तो भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी और वे कर्नाटक संगीत में भी दस्ता हासिल कर ली थी। और फिर उन्हें फिल्मों में आने का ऑफर 13 साल की उम्र से ही मिलने लगा था। हिंदी सिनेमा में आने के लिए वैजयंती को हिंदी बोलना लिखना सीखना पड़ा था। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें हिंदी अच्छी तरह से बोलना आ ही गया था। नागिन की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद वे लगातार हिंदी सिनेमा में काम करने लगी थी। हिंदी के हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की थी और उन्होंने 1950 से 1960 तक इनका फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा रहा था। इनकी फिल्मों में शुरुआत तो 13 साल में हो ही चुकी थी, लेकिन वे ज़्यादातर तमिल फिल्मों में आने में सबसे बड़ी हीरोइन बनी थी। जब इन्होंने शुरू की फिल्में की तब तमिल डायरेक्टर एमवी रमन ने वैजयंती को अपनी फिल्म सबसे पहले तमिल भाषा की वजकई में लिया था, जिसमें 1939 में यह फिल्म बनके तैयार हुई थी। फिर 1950 में फिल्म जीवीथाम आई। 1991 हिंदी सिनेमा बाहर आई थी जब वजकई का ही हिंदी रूपांतरण थी। वैजयंती ने यह जान लिया थी कि उनकी ख्याति हिंदी सिनेमा में ज़्यादा होगी, इसलिए 1954 में उन्होंने फिर दोबारा नागिन सिनेमा में धुआंधार रोल किया था। ये एक्टिंग और डांस इतनी ज़बरदस्त कर रही थी कि लगातार फिल्में इन्हें मिलती जा रही थी। ये वेस्टर्न डांस में भी माहिर थी। 1957 की फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस किया था, जो किशोर कुमार से बनी हुई फिल्म है। वैजयंती माला की एक फिल्म 1955 में आई थी जिसका नाम था देवदास। यह फिल्म इनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें इन्होंने जाना कि मैं इस फिल्म के द्वारा ही फेमस हो चुकी हूं, क्योंकि इसमें इन्होंने नृत्यांगना का एक अच्छा खासा रोल किया था, बल्कि वह एक उम्दा कलाकार का भी रोल इसमें निभा रही थी, जिसका नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी के रोल में इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था। इसमें दिलीप कुमार देवदास थे और वैजयंती माला इनकी प्रेमिका बनने का रोल किया था। वैजयंती माला चंद्रमुखी के लिए इन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलने वाला था, लेकिन यह अवार्ड यह कहकर इन्होंने ठुकरा दिया कि देवदास की ज़िंदगी में चंद्रमुखी की बड़ी अहमियत है। यह सपोर्टिंग किरदार नहीं बल्कि यह एक एक्ट्रेस का किरदार है और इन्होंने यह फिल्म फेयर अवार्ड लेने से अपने आप को रोक लिया था। लेकिन सपोर्टिंग रोल की जगह पर एक्ट्रेस का रोल पारो को मिला था। दुर्भाग्यवश देवदास का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सुचित्रा सेन को ही मिला था। ऐसा अक्सर होता है कि अभिनेता अभिनेत्रियों की जो प्रेम प्रसंग की अफवाहें हैं काफ़ी जल्दी फैलती हैं। वैजयंती माला के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि वैजयंती माला दिलीप कुमार के साथ काफ़ी फिल्में बना रही थी, जिसके कारण उनकी काफ़ी बदनामी हो रही थी। दिलीप कुमार के संग उनकी जोड़ी का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अपनी पुस्तक में वैजयंती सिर्फ इसको अफवाह ही मानती है। वैजयंती माला डांसर, नर्तकर, कोरियोग्राफर के रूप में भी मशहूर थी। शादी के बाद इन्होंने अपना फिल्मी करियर तो छोड़ दिया, लेकिन डांस जारी रखा
वह चेन्नई में रहने लगी थी और 1968 में उन्होंने चमनलाल वाली से शादी कर ली थी। 1961 में गंगा जमुना के लिए, 1968 में संघर्ष के लिए बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला था। फिल्म गंगा जमुना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, साधना संगम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1996 में जब फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा था तो उसी समय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी साथ में दिया गया था। 1942 में इन्हें नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। फिर सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1968 में दिया गया था। फिल्में बनाते बनाते इन्होंने अब अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। फिल्में बनाने के बाद वैजयंती अब अपना परिवार बसाने को सोचने लगी। एक दफ़ा वैजयंती कश्मीर के डल झील में फिल्म की शूटिंग के दौरान गिर गई थी। इसके बाद उन्हें निमोनिया हो चुका था। अचानक तबीयत खराब हो जाने से वे अपना इलाज बंबई के किसी अस्पताल में करवा रही थी, जहाँ के डॉक्टर थे चमनलाल बाली। इन डॉक्टर के साथ इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। फिर दोनों ने शादी कर ली। काफ़ी लंबे अरसे के बाद 1986 में चमनलाल बाली की भी मृत्यु हो गई है, लेकिन वैजयंती माला आज भी स्वस्थ हैं और खूबसूरत भी हैं। आज भी वे स्वस्थ रहती हैं और कोई नहीं कह सकता कि वह 85 से 86 साल की हो चुकी हैं। वैजयंती माला फिल्मों को छोड़ने के बाद कुछ दिनों के लिए राजनीतिक में भी आई थी। पंडित नेहरू की पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था। इंदिरा गांधी उनकी पक्की सहेली थी, इसलिए 1989 में चेन्नई सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का एक मौका दिया गया था और वे जीत भी गई और सांसद भी बनी। 1989 में फिर सांसद बनी। साल 1993 में वैजयंती माला को राज्यसभा भेजा गया था और फिर इनका मन बदलते गया। 1999 के बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। फिर लेकिन इन्होंने राजनीति को भी छोड़ दिया। अब वैजयंती माला 85 साल की ऊपर हो चुकी हैं। उनके बेटे सुचित्रा वाले भी एक्टर हैं, लेकिन उनकी सभी फिल्में तमिल की हैं। क्लासिक डांस में निपुण और 2 दशकों से अधिक समय तक फैंस के दिलों पर राज करने वाली इस अदाकारा को ट्विंकल टोच कहा जाता है। इनकी हिट फिल्में नई दिल्ली, नया दौर, संगम, ज्वेल थीप, मधुमती, दुनिया, सूरज, आम्रपाली, झूला, सितारों के खर्चे, आगे, देवदास, लड़की, पैगाम, नजराना, लीडर, संघर्ष, अनेकों फिल्में आईं और सभी हिट पर हिट होती चली गई। आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वैजयंती माला की पूरी बायोग्राफी। कैसी लगी बायोग्राफी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद।